शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौसीन, ये कुरान यानी किताब रोशन की आयतें हैं, मोमिनों के लिए हिदायत और बिशारत है वो जो नमाज पढ़ते और जकात देते हैं और वो आखिरत का भी यकीन रखते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके आमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं तो वो भटकते फिर रहे हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में भी बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। और तुमको ये कुरान उस हकीम अलीम की तरफ से अता किया जाता है। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से रस्ते का पता लाता हूं या कोई शोला यानी एक अंगारा तुम्हारे पास लाता हूं ताकि तुम आग तापो, जब मूसा उसके पास आए तो निदा आई कि वो जो आग में तजल्ली दिखाता है बाबरकत है और वो जो आग के इर्द गिर्द है, और अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है पाक है। ऐ मूसा, मैं अल्लाह हूं इज्जत वाला हिकमत वाला, और अपनी लाठी डाल दो। सो जब उसे देखा तो इस तरह हरकत कर रही थी गोया सांप है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर न देखा। फरमाया, ऐ मूसा डरो मत, मेरे पास पैगंबर डरा नहीं करते। हां, जिसने जुल्म किया फिर बुराई के बाद उसे नेकी से बदल दिया तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूं। और अपना हाथ अपने गरीबान में डालो, बेऐब सफेद रोशन निकलेगा। इन दो मोजजों के साथ जो नौ मोजजों में दाखिल हैं, फिरौन और उसकी कौम के पास जाओ कि वो बदकिरदार लोग हैं। फिर जब उनके पास हमारी रोशन निशानियां पहुंची तो कहने लगे, ये खुला जादू है, और बेइंसाफी और गुरूर से उनको मानने से इनकार किया, जबकि उनके दिल उनको मान चुके थे। सो देख लो कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बख्शा और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। और सुलेमान दाऊद के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज इनायत फरमाई गई है, बेशक ये उसका खास फजल है। और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और फिर उनकी जमातें बनाई गईं। यहां तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो। तो वो उसकी बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। और जब उन्होंने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है मुझे हुदूद नजर नहीं आता, क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जबा कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की वाजे दलील पेश करे। अभी थोड़ी देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास मुल्क सभा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफ्ताब को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनके आमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रस्ते से रोक रखा है, बस वो रस्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर आमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से हट जाना और देखना कि वो क्या जवाब देती हैं। मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मुझ तक एक नामा गरामी पहुंचाया गया है, वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बाद इसके ये कि मुझसे सरकशी ना करो और मुतियो फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ऐ अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, जब तक कि तुम हाजिर न हो और सलाह न दो मैं किसी काम का फैसला नहीं किया करती। वो बोले कि हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, तो जो हुक्म दीजिएगा उसके अंजाम पर
नजर कर लीजिएगा। उसने कहा कि बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जत वालों को जलील कर दिया करते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं इनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूं और देखती हूं कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? सो जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत यह है कि अपने तोहफे से तुम ही खुश होते होगे। उनके पास वापस जाओ। अब हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत न होगी, और उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। सुलेमान ने कहा कि ऐ दरबार वालो, कोई तुम में ऐसा है कि कबल इसके कि वो लोग फरमाबरदार होकर हमारे पास आए, मलिका का तख्त मेरे पास ले आए? जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा कि कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं उसको आपके पास ला हाजिर करता हूं, और मुझे इस पर कुदरत भी हासिल है और अमानतदार भी हूं। एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आंख के झपकने से पहले पहले उसे आपके पास हाजिर किए देता हूं। जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा कि यह मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या कुफरान नेमत करता हूं, और जो शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है, करम करने वाला है। सुलेमान ने कहा कि मलिका के इम्तिहाने अकल के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें कि वो सूझ रखती है या उन लोगों में से है जो सूझ नहीं रखते। फिर जब वो आ पहुंची तो पूछा गया कि क्या आपका तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा कि ये तो गोया हू बहू वही है, और हमको इससे पहले ही सुलेमान की अजमत शान का इल्म हो गया था, और हम फरमाबरदार हैं। और वो जो अल्लाह के सिवा दूसरों की परस्तिश करती थी, सुलेमान ने उसको उससे मना किया कि वो काफिरों में से थी। उसके बाद उससे कहा गया कि महल में चलिए। जब उसने उसके फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, यह ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी, और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं, और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। सालेह ने कहा कि ऐ कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो, और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरा शगुन है। सालेह ने कहा कि तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाती है। और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। कहने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम रात को इस पर और इसके घर वालों पर शबखून मारेंगे, फिर इसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों के मौके हलाकत पर थे ही नहीं, और हम सच कहती हैं। और वो एक चाल चले, और हमने भी एक तदबीर की, और उनको कुछ खबर न हुई, तो देख लो कि उनकी चाल का अंजाम कैसा हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब उनके ये घर उनके जुल्म के सबब तलपट पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिए इसमें निशानी है, और जो लोग ईमान लाए और डरते थे उनको हमने नजात दी। और लूत को याद करो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो जबकि तुम देखते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ मायल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। तो उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और इसके सिवा उनका कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को नजात दी, मगर उनकी बीवी के उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और हमने उन पर मेह बरसाया, सो जो मैं उन लोगों पर बरसा जिनको मुतनब्बे कर दिया गया था बुरा था। कह दो कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, और उसके उन बंदों पर सलाम है जिसको उसने मुंतखब फरमाया, भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं? भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया? फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए,
तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रस्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशीन बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। कह दो कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते, और न ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में उनका इल्म खत्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हो रहे हैं। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे? ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है, कहां का उठना और कैसी कयामत? ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि गुनाहगारों का अंजाम क्या हुआ है, और उनके हाल पर गम न करना, और न उन चालों से जो ये कर रहे हैं तंग दिल होना। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? कह दो कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, शायद उसमें से कुछ तुम्हारे नजदीक आ पहुंचा हो, और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और जो बातें उनके सीनों में पोशीदा होती हैं और जो काम वो जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार उन सबको जानता है। और आसमानों और जमीन में कोई पोशीदा चीज नहीं है मगर ये कि वो एक किताब रोशन में लिखी हुई है। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं बयान कर देता है, और बेशक ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तुम्हारा परवरदिगार कयामत के रोज उनमें अपने हुक्म से फैसला कर देगा, और वो गालिब है, इल्म वाला है। तो अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम तो साफ हक पर हो। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते, और न बहरों को जबकि वो पीठ फेर लें आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को गुमराही से निकालकर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फर्माबरदार हो जाते हैं, और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। और जिस रोज हम हर उम्मत में से एक बड़े गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकजीब करते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था, हालांकि तुमने अपने इल्म से उनका इहाता तो किया ही ना था। भला तुम क्या करते रहते थे? और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी ना सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें, और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें? बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे, मगर वो जिसे अल्लाह चाहे, और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि मजबूत जमे हुए हैं, मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया, बेशक वो तुम्हारे सब अफाल से बाखबर है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग
औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं आमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो। कह दो, मुझको यही इरशाद हुआ है कि इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मुहतरम बनाया है, और हर चीज उसी की है, और मुझे यह भी हुक्म हुआ है कि मैं फरमाबरदार रहूं, और यह भी कि कुरान पढ़ा करूं। अब जो शख्स राह रास्त इख्तियार करता है तो अपने ही फायदे के लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूं। और कहो कि अल्लाह का शुक्र है, वो तुमको अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे, और जो काम तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उनसे बेखबर नहीं है।